हेलो दोस्तों, दिस इज रमेश फ्रॉम एनसीआर मोसला। आज के जुड़े आवाज़ के ऊपर है। बेसिकली देखिए, आवाज़ के ऊपर इतनी सारी वीडियो इसलिए आ रही है क्योंकि आवाज़ भी इतनी सारी तरीके की होती है। बेसिकली जैसे ये आवाज़ है, अभी सुनाता हूँ उसको। बेसिकली ये आवाज़ नॉर्मल है, हल्की सी इसकी कैम गियर व्हील की आवाज़ है, बहुत हल्की सी। ये नॉर्मल है, बेसिक आवाज़ है, अगर इस आवाज़ से कोई नुकसान नहीं है। बट ये बाइक जैसी चलती है, बता रहे 15-20 किलोमीटर, तो उसके बाद इसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। अभी कोई आवाज़ नहीं है, देखो बेसिक है, ठीक। जैसे 15-20 किलोमीटर चलेगी, इसमें आवाज़ कैसे आएगी सुनो। देखा दोस्तों कैसी आवाज़ आ रही है, मतलब बिल्कुल इसके हाइड्रोलिक काम करने बंद कर गए इसके। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ऑयल जब हीट होके पतला हो रहा है उस टाइम पे हाइड्रोलिक अपना प्रेशर कर ही नहीं रहा, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलिक चेंज करेंगे। मतलब खोल के दिखाता हूँ आपको बेसिकली उसके अंदर होता क्या है, क्यों काम करने बंद कर जाते हैं। हाइड्रोलिक खोलते हैं इसके और साथ ही इसके अंदर BS4 वाला पंप भी डालेंगे। तो बिना देरी करे इसको खोलते हैं, शायद लग जाओ काम पे। हाइड्रोलिक निकाल के दिखाओ उसके। तो बेसिकली खुल गया और हेड का भी आपको वो बता दूँ, हेड की भी गाइड है इसकी लूज है, हिल रही है। तो हेड भी जब खुला है तो रिपेयर कराए देंगे। पिस्टन हमारा ठीक है, खाली रिंग डल जाएगी। और ये हाइड्रोलिक बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर इसका जो प्रेशर पिन पिच कर दो, इसके अंदर बेसिकली एक वाल सिस्टम होता है, मतलब गोली स्प्रिंग टाइप होती है जो वैक्यूम बनाती है ऑयल का, उसको प्रेशर कहेंगे हम ऑयल का। मैगनेट लगा दो निकालने के लिए। तो पतले तेल पतला होने से, मैं खैर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे काम करता है, ख़राब है तो हम इसको निकाल ही लेंगे। पकड़ो, ये निकालो, लॉक प्लस दो, लॉक प्लस, ये अंदर और कुछ नहीं होता। जैसे ये स्प्रिंग आ गई हमारे, जो उसको उल्टा वापसी मतलब फेंकती है, सारा काम जो है ना, पिन पिच दिखाओ, वो इसका है। यहाँ पे एक छोटी सी बॉल है, निकालो। आ जाओ बेटा, तुम शर्माओ मत, तुम्हें आना है सामने, दुल्हन नहीं हो तो मैं रिश्ते के लिए नहीं आया। निकालो, शर्मा रही है मैडम, ऐसा शर्मा यार, देखने आया हूँ तुम्हें। ये तुम तो निकलो, ये रिश्ते। सारा काम जो हाइड्रोलिक में है ना, वो इस बॉल का, गोली का और इस स्प्रिंग का है, ठीक। इसकी डिटेल वीडियो बनाते हैं, काम करते हैं, काम कैसे करता है, ठीक है। तो पतले तेल से क्या होता है, ये अपना काम करना छोड़ देती है। कैसे काम करना छोड़ती है वो भी डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं, कि किस तरीके से काम छोड़ती है करना, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसका ये हाइड्रोलिक तो नहीं डालेंगे, और इसका सामान सारा वॉश करते हैं, साफ़ करते हैं। इतने खराब पैसे हेड भी आ जाएगा, फिट करते हैं थोड़ी सी देर के अंदर। सामान सारा साफ हो चुका और सामान दिखाता हूँ क्या क्या डल रहा है। बेसिकली इसमें ये हाइड्रोलिक हो गए, पिस्टन की रिंग, क्योंकि पिस्टन विस्टन बिल्कुल ठीक है, बाइक चली हुई 21,000 किलोमीटर, तो पिस्टन में कोई इफेक्ट नहीं आया, खाली रिंग डालेंगे। एक बार कभी दोस्तों राय दे रहा हूँ, एक बार कभी हेड सिलेंडर खोलो ना तो रिंग पुरानी मत डालना, रिंग वो नहीं डालना हमेशा, ठीक। दूसरी चीज़, ऑयल पंप डाल रहे हैं हम ये BS4 का, क्योंकि इसमें ऑयल पंप BS3 है, बाइक BS3 है तो सही से बात है, ऑयल पंप BS3 है। तो ये सब फिट कर रहे हैं, सामान सारा वॉश होकर आ चुका है, हेड ये वॉश हो रहा है अभी, खिरात पे से आ चुका है इसके गाइड वगैरह डाल के, ठीक है। बिना देरी करे इसकी फिटिंग चालू करते हैं। We'll be right back.
सो फाइनली कंप्लीट हो गया, अब स्टार्ट करके सुनाता हूँ इसकी आवाज़। वार्म अप कर लेते थोड़ा सा। बिल्कुल शांत है साउंड, कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, बढ़िया एकदम। अब बाइक थोड़ी वॉशिंग वाला करा के चला के देखते हैं इस बाइक को। सो बाइक वॉशिंग होकर आ चुकी है, किलोमीटर अभी है 21,006 किलोमीटर। ठीक, अब चलते हैं थोड़ी चला के भी देख लेते ना, क्योंकि इशू इसमें चलाने के बाद आ रहा था। बाकी अभी तक तो बिल्कुल शांत बाइक चल रही है, बिल्कुल शांत, कोई आवाज़ ही नहीं है। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब पेडल मत मारियो, पेडल मत मारो, अब गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है दोस्तों, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। बैंड बजी हुई है गर्मी में। तो दोस्तों बाइक चल चुकी है ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर, मतलब 24 कुछ चली है, और बाइक की साउंड सुनो बिल्कुल शांत है, कोई साउंड नहीं है बाइक में। और इतनी चलाने के बाद ना भाई, तो सही गर्मी में, दिल्ली की सड़ी गर्मी में ठंडा पीने का मन कर गया भाई, हालत खराब हो गई, दुकान जाने की हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने सोचा भाई कुछ ठंडा पी के फिर जाएंगे शॉप पे। सो आ गए शॉप पे, बाइक की साउंड सुनो यार, बिल्कुल शांत, कोई आवाज़ ही नहीं है, परफेक्ट एकदम। ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ, बिल्कुल शांत है। आइए थोड़ी बात करते हैं अंदर। सो बाइक बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, कोई कमी नहीं, आपने देखा भाई 28 किलोमीटर चलने के बाद भी बाइक में कोई आवाज़ में चेंज नहीं, बल्कि इतनी गर्मी है भाई दिल्ली में, सड़ी गर्मी हो रही है कि भाई दुकान पर आने से पहले मैंने सोचा कुछ शेक वगैरह ठंडा पी के चलें। अब ये बात आती है कि ऐसा क्यों है, बेसिकली क्या होता है, जब हाइड्रोलिक जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया उसकी जो स्प्रिंग होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, जब तेल पतला होता है ना तो तेल वहाँ पर वैक्यूम प्रेशर नहीं बन पाता, जो प्रेशर बनता है ऑयल का तो वो काम नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से हाइड्रोलिक फेल हो जाते हैं। फिर वो क्या गर्म हो रही टिक्टर के बाद, जैसे ऑयल पतला होता है तो वो चालू कर देते हैं आवाज़ होना, और जैसे ऑयल ठंडी गाड़ी में गाढ़ा होता है थोड़ा बहुत, तो वो अपना बिल्कुल सही काम करते हैं, यही वजह थी। बाकी एक चीज़ बता दूँ, अगर गर्म होकर आवाज़ आ रही है और ठंडी पे नहीं आ रही है तो हाइड्रोलिक आपको चेंज करने में फ़ायदा है। ऑयल जब आप नया डालोगे तो कुछ किलोमीटर आपके सही चल जाएंगे और कुछ किलोमीटर के बाद वापसी एजिटेज हो जाएगी, तो बेहतर ये रहता है आए जब आवाज़ जब आप उसके हाइड्रोलिक वगैरह चेंज करा लो खुलवा के, अदरवाइज ये जैसी आवाज़ है फिर ऑयल चेंज कराओ, तो उससे अच्छा तो एक ही बार वन टाइम काम करा लो, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो होपफुली आप भाइयों को नॉलेज मिली होगी, अपने रॉयल फील्ड वाले जितने ऑनर उनके साथ शेयर जरूर करना इस वीडियो, ताकि इन्फॉर्मेशन पहुंचे, पता नहीं किसका भला हो जाए इस वीडियो को देख के। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, जरूर की वीडियोज़ का मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियोज़ के साथ। बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।